से ऑनलाइन अधिसूचित हो गई है। तहसील संबंधित समस्त कार्य ऑनलाइन होने से काश्तकारों को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, साथ ही समय की बचत होगी। हमारे संवाददाता सुनील रागेरा ने तहसीलदार व काश्तकारों से बातचीत की। तहसीलदार जगदीश प्रसाद बेरवा ने बताया कि राजस्व विभाग ने 2013 में डिजिटल इंडिया के तहत जिले में भूमि खातेदारी का सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन करने की योजना शुरू की थी। इस क्रम में तहसील बांसुर ऑनलाइन तहसील घोषित कर दी गई है। अब बांसुर के लोगों को जमीनी संबंध दस्तावेज के लिए तहसील कार्यालय में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि तहसील संबंधित पूरे रिकॉर्ड अब जनता के लिए ऑनलाइन उपलब्ध होगा। तहसीलदार बेरवा ने बताया कि अब डिजिटलाइजेशन ने नक्शे को कहीं से भी देखा व हासिल किया जा सकेगा। साथ ही लोगों की भूमि जमाबंदी नक्शा, खसरा नंबर, खेतों के रास्ते की ऐतिहासिक दस्तावेज, लोकेशन, राजस्व अधिकारी की सूचना, आधार लिंक, अनेक समस्त कार्य ऑनलाइन मिल सकेंगे। तहसीलदार बेरवा ने तहसील ऑनलाइन कराने का श्रेय अपनी पूरी टीम को देते हुए क्षेत्र के काश्तकारों को भी धन्यवाद ज्ञापित किया, जिन्होंने इस अवधि में नामांतरण संबंधित कार्य रोके रहने के बावजूद धैर्य बनाए रखा। ऑनलाइन होने से ये है कि जमींदारों का जो काम है वो अच्छी तरीके से और जल्दी हो पाएगा और काश्तकारों को सहूलियत रहेगी। अब तक 10 महीने से काफ़ी काम बंद था, जिसमें काश्तकारों को 6-1 है, विभाजन पत्र है और इंतकाल वगैरह सभी बंद थे। अब ये खुलने से राज्य सरकार के DILRMP प्रोग्राम के तहत राज्य की समस्त तहसीलों को ऑनलाइन किया जा रहा है, ताकि काश्तकारों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसी क्रम में आज अलवर जिले की बांसुर तहसील भी ऑनलाइन अधिसूचित हो गई है। अब काश्तकारों को जमाबंदी भी ऑनलाइन मिलेगी, म्यूटेशन भी ऑनलाइन दर्ज होंगे, विभाजन पत्र, विनिमय, शुद्धि पत्र सभी ऑनलाइन होंगे, जिससे काश्तकारों के धन व समय दोनों की बचत होगी और काश्तकारों को अनावश्यक पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उनका काम समयबद्ध तरीके से होगा और कार्य की मॉनिटरिंग भी की जानी आसान हो पाएगी। सर, ये कितने दिन से ऑनलाइन, कितना समय लग गया? हमारे यहाँ से पिछले 10 महीने से ऑनलाइन होने का काम चल रहा था, लेकिन बीच में लॉकडाउन लगने से 3-4 महीने काम की प्रगति मंद रही, इस कारण ऑनलाइन होने में देर हुई। अब ऑनलाइन हो चुकी है तहसील और जल्दी जो ये तहसील का ये जो सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन हो गया, इसमें जमाबंदी है, गिरदावरी है, ये जो भी रिकॉर्ड्स ऑनलाइन होने के बाद में पब्लिक को सीधा फायदा इसका मिलेगा। आप किसी भी ई मित्र के किसी भी साइबर कैफे पर जाकर के आप अपने डॉक्यूमेंट्स की आप नकल प्राप्त कर सकोगे, आपको समय की बचत होगी और जो पैसा बर्बाद होना था वो पैसा बर्बाद नहीं होगा, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा और काश्तकार को सुलभ न्याय मिल सकेगा। 8-9 महीने से बंद पड़ा था काम सर, अब सुचारू रूप से चालू हो गया। हाँ। तो किसानों को क्या फायदे होंगे इससे? किसानों को ऑनलाइन के फायदे रहेंगे, पटवारी को पीछे